हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सभी क्वेश्चन इंक्लूड है एंड ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एफ एंड आर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट ए इज क्या होता है ए एल एल्यूमिनियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एसिड होता है बेस होता है सॉल्ट होता है और क्लोइड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड तो स्ट्रक्चर क्या होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का तो एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड एंड ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोडेफिशियंट कंपाउंड होता है इट हैज सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूनिट्स आउटर मोस्ट शेल आफ्टर बॉन्ड इसके आउटर मोस्ट शेल में सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपटर बॉन्ड सो ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया एंड बिहेव्स लाइक लुइस एसिड ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया एंड एक्ट करता है एज ए लेविस एसिड ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है लेविस एसिड बिकॉज इट कैन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा था ना अकॉर्डिंग टू लेविस थेरी एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एसेप्टर एंड बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स देन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेट थियरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन एंड बेस होता है सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू लॉरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज दीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स इनमें से किसका यूज करते हैं एज एन एंटी ऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स सॉर्बिटन मोनोलिएट एस्कॉर्बिक एसिड मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम सेकैरिन एंटी कौन सा होगा तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है तो विटामिन सी होता है सी सिक्स एच सिक्स ओ सिक्स होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है मिथाइल सेल्यूलोज क्या है तो इसका यूज करते हैं ऑफ्थेलमिक सोल्यूशन में टू इंक्रीज ऑक्यूलर कॉन्टैक्ट टाइम देन सोडियम सेकेरिन तो स्वीटनिंग एजेंट होता है सोर्बिटन मोनो तो ये इमर्जीफायर होता है सरफेक्टेंट होता है स्टेबिलाईजर होता है केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका सोर्बिटन मोनो का तो सी ट्वेंटी फोर एच फोर्टी फोर ओ सिक्स ठीक है प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर कौन सा है सिस्टेमिक एसिडिफायर पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम सिट्रेट अमोनियम क्लोराइड सोडियम एसीटेट सिस्टेमिक एसिडिफायर तो किसके बारे में हमने ये देखा था सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है देन एक्सपेक्टोरेंट भी होता है क्या होगा तो अमोनियम क्लोराइड होगा ना ऑप्शन सी और किस में यूज करते हैं इसका तो इसका फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में इसका यूज करते हैं एज ए नाइट्रोजन सोर्स ठीक है ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो पोटेशियम आयोडाइड है यह भी एक्सपेक्टोरेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन एंड डैश प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस। आइसोथर्मल आइसोबैरिक आइसोटोनिक आइसोकोरिक इनमें से कौन सी प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है थ्रू आउट प्रोसेस तो यह आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ना ऑप्शन है यह आइसोथर्मल प्रोसेस होती है थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस ठीक है एंड इसमें टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ये जो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस होती है इसमें टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट क्यों कॉन्स्टेंट होता है टेम्परेचर इसमें तो बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफर्ड स्लोली इन टू और आउट ऑफ सिस्टम जिससे मेंटेन होता है थर्मल इक्विलिब्रियम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मास नंबर इज क्या होता है मास नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है मास नंबर तो ये मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर देन एटॉमिक नंबर क्या होता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैटैंस हैव पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नो चार्ज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट ऑन और कैटैन कौन सा चार्ज होता है कैटैन पे तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कैट कब फॉर्म होते हैं एटम और कंपाउंड लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म जो होता है कैटाइन जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है कैटाइन सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कैटाइन हैज पॉजिटिव चार्ज कैटाइन हैज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स देन एनाव नेगेटिव चार्ज एनाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनैन फॉर्म होते हैं वेनाटम गेंस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन क्लोराइड सल्फेट लेड किसकी लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड का मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ये एंड हमने भी बहुत बार इसे डिस्कस किया हुआ है किसकी लिमिट टेस्ट में यूज करेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड का तो इसे आयरन की लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं ना ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर द लिमिट टेस्ट ऑफ़ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ थाइकोलिक एसिड आयरन का लिमिट टेस्ट डिपेंड होता है अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ थाइकोलिक एसिड देन क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में किसका यूज करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड

लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डायलूट नाइट्रिक एसिड टू गिव गिवेस ऑफ सिल्वर क्लोराइड ठीक है देन सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में किसका यूज करते हैं तो बेरियम क्लोराइड का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स एंड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स विच इज कंपेयर्ड तो टर्बिडिटी को कंपेयर किया जाता है ठीक है ये टर्बिडिटी एंड ओपेलेसेंस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सल्फेट की लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं एंड क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस को ठीक है देन कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड तो लेड की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं डाइथिजोन का डाइथिजोन इज यूज एज ए रिएजेंट इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बफर इज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है बफर सोल्यूशन बाय मिक्सिंग ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस बाय मिक्सिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय मिक्सिंग ए वीक बेस एंड सॉल्ट विथ ए वीक एसिड ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस बफर सोल्यूशन प्रीपेय बाय मिक्सिंग तो बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस ये एसिडिक बफर होता है ना ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रांग बेस देन बेसिक बफर में क्या होता है बेसिक बफर क्या होता है तो यह होता है मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट फॉर्म विथ ए स्ट्रांग एसिड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रांग एसिड होता है बेसिक बफर एंड वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रांग बेस होता है एसिडिक बफर ठीक है ये बेसिक बफर पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम पर मैंगनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो अभी ऑप्शन सी मत देखो क्या होता है पोटेशियम पर मैंगनेट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होता है ये तो इट इज यूज एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इट एक्ट्स बाय मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन देन ए केमिकल यूज एज ए गार्गल पोटेशियम पर मैंगनेट देन किसके साथ टाइट्रेट किया जाता है पोटेशियम पर मैंगनेट को इन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट तो ये होता है स्टैंडर्ड ऑक्जैलिक एसिड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पोटेशियम पर मैंगनेट इज एसिड बाई टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड ऑक्जैलिक एसिड देन किसके ऐसे में यूज करते पोटेशियम पर मैंगनेट का एज एन इंडिकेटर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे में यूज करते हैं तो है इसका एज एन इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सी एस सी ओ थ्री इज यूज एज एंटासीड एसिडिफायर बफ फॉर रेस्पिरेटरी स्टिमुलंट क्या होता है सी एस सी ओ थ्री तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना क्या होता है ये तो ये एंटासिड होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है ना ये ऑप्शन ए विल बी ऑर करेक्ट आंसर कॉमन नेम क्या है इसका तो लाइम स्टोन लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट सी एस सी ओ थ्री और किस में यूज करते हैं इसका तो इसका यूज करते हैं एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट देन इसे ऐड करते हैं स्विमिंग पूल्स में एज ए डिसइंफेक्टेंट स्विमिंग पूल्स में इसे ऐड किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड टू मेंटेन पीएच ठीक है और किस में इसका यूज करेंगे तो इसका डेंटिफ्रिसेस में यूज करते हैं डेंटिफ्रिसेस में एज एन एब्रेसिव एजेंट या एग्रेसिव एजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो एक्टिंग एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नेशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल स्लो एक्टिंग एंटासिड तो स्लो एक्टिंग एंटासिड होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ऑप्शन डी क्या होता है ये तो ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट लाइम होता है ये भी नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है एब्रेसिव एजेंट होता है स्विमिंग पूल्स में इसका यूज करते हैं एज ए डिस एंड टू मेंटेन पी एच देन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सिस्टमिक एंटासिड होता है बेकिंग सोडा होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एन एच सी ओ थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा ठीक है देन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये होता है एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑर्गेनिक एसिड वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन इज प्रोपियोनिक एसिड सॉर्बिक एसिड एंड डिकेनोइक एसिड बेंजोइक एसिड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस तो बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं ना इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन ऑप्शन डी इसका रिंग वॉम में यूज करते है देन एथलीट फिट में इसका यूज करते हैं देन जो स्किन इरिटेशन होता है बाय बर्न्स एंड इंसेक्ट बाइट्स इसमें भी इसका यूज करते हैं बेंजोइक एसिड का हमने देखा था ना जो विट फील्ड ऑइंटमेंट होता है इसमें थ्री परसेंट सेलिसलिक एसिड होता है एंड थ्री परसेंट होता है बेंजोइक एसिड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस जो डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन होते हैं इसमें यूज करते हैं विटफील्ड ऑइंटमेंट का ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देन ये जो बेंजोइक एसिड होता है इसमें होती है कैरेटोलाइटिक प्रॉपर्टीज कैरेटोलाइटिक प्रॉपर्टीज होती है बेंजोइक एसिड की इसे यूज करते हैं टू रिमूव वॉट्स वर्ड्स एंड कॉन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सलाइन कैथेरिटिक्स एक्ट्स बाय स्टिमुलेटिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टेनल म्यूकोसा इंक्रीजिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टेनल मोटिलिटी इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड इन द इंटेस्टेनल ट्रैक्ट डिक्रीजिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टेनल मोटिलिटी कैसे एक्ट करते हैं सलाइन कैथेरेटिक्स तो सबसे पहले आप मुझे सलाइन कैथेरेटिक्स के एग्जाम्पल्स बताएंगे जिसपे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना सलाइन कैथेटिक इप्सम सॉल्ट होता है ये और क्या आएगा सलाइन कैथेटिक्स में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है देन सोडियम सल्फेट होता है ये सभी सलाइन कैथेटिक होते हैं एंड सलाइन कैथेटिक्स आर ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक लैगजटिव ये ऑस्मोटिक लैगजटिव होते हैं ये इंक्रीज कराते हैं दी अमाउंट ऑफ फ्लूड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये स्टिमुलेट कराते हैं मसल्स इन द इंटेस्टाइन एंड वर्क्स एज ए सलाइन कैथेटिक ये पेरिस्टेलिस को स्टिमुलेट कराते हैं क्या दिया है ऑप्शन में तो स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा ये नहीं होगा इंक्रीजिंग दैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी ये भी नहीं होगा इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ द दस्टेनल ट्रैक्ट तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ये इंक्रीज कराते हैं ऑस्मोटिक लोड इन द दिनल ट्रैक ये पेरिस्टेलसिस को स्टिमुलेट कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडिन नेंटेंस डैश ऑफ अवेलेबल आयोडिन कितना आयोडीन होता है पोविडॉन आयोडीन में तो इसमें नाइन टू ट्वेल्व परसेंट होता है बाय वेट ऑप्शन डी नाइन टू ट्वेल्व परसेंट आयोडिन बाई वेट होता है पोविडोन आयोडीन क्या होता है ये तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है इसकी ब्रॉड माइक्रोसाइडल एक्टिविटी होती है यह होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ पी वी पी पॉलीविनाइल पायरोलीडोन एंड आयोडीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन लुगॉल सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है आयोडिन का इन लुगॉल सोल्यूशन तो लुगॉल सोल्यूशन पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या होता है ये तो ये होता है फाइव परसेंट आयोडीन एंड टेन परसेंट पोटेशियम आयोडाइड एक्वस आयोडिन सोल्यूशन होता है ना लुगॉल सोल्यूशन कितना आयोडीन होता है इसमें तो फाइव परसेंट आयोडीन ऑप्शन डी विल बी ऑर करेक्ट आंसर फाइव परसेंट आयोडिन एंड टेन परसेंट पोटेशियम आयोडाइड होता है लुगॉल सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजोइल पेरोक्साइड इज एन एस्ट्रिंजेंट एन एनिमोलियंट ए प्रिजर्वेटिव ए कैरेटोलाइटिक बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है तो कैरेटोलाइटिक एजेंट होता है ना ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इन्ग्रेडियंट इन ईयर ड्रॉप्स एज डी वैक्सीन एजेंट तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है इसका यूज़ करेंगे ईयर ड्रॉप्स में एज ए डी वैक्सिंग एजेंट पोटेशियम परमैग्नेट बोरिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक पेरोक्साइड तो किसके बारे में हमने ये देखा था डी वैक्सिंग एजेंट कौन सा होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन ये होता है डिसइंफेक्टेंट होता है इसका यूज़ करते हैं इन क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स देन इसका सेप्टिक सॉकेट एंड रूट कैनल्स की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं एन इट इज एसेड बाय रेडोक्सटाइड्रेशन इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में देखा था ना कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना डीवैक्सिंग एजेंट इसका यूज करते फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स ठीक है पोटेशियम पर मैगनेट के बारे में हमने क्या देखा तो इन दी एस ऑफ हाइड्रोजन पेरॉक्साइड विच इंडिकेटर इज यूज तो पोटेशियम पर का यूज़ करते हैं ना इन द एसे ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन पोटेशियम पर मैंगनेट इज एसिड बाई टाइट्रेटिंग इट विथ स्टैंडर्ड ऑक्जैलिक एसिड ये पोटेशियम पर होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट देन इसका गार्गल में भी यूज करते हैं ठीक है देन वॉट इज बोरिक एसिड तो एच थ्री बी ओ थ्री बोरिक एसिड होता है ना ये बफरिंग एजेंट होता है ना इसका यूज करते हैं इन डार्क सोल्यूशन एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल पी यह एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है बोरिक एसिड देन ऐसे ऑफ बोरिक एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं इन द एस ऑफ बोरिक एसिड तो फिनॉपथैलिन का यूज़ करते हैं ना ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ऐसे ऑफ बोरिक एसिड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फिनॉपथेलिन देन बोरिक एसिड पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लिसरीन को क्यों ऐड किया जाता है बोरिक एसिड में इन दस्य ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड किस लिए ऐड करते हैं इसे तो इसे ऐड करते हैं तो टू इंक्रीज एसिडिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मैकेनिज्म बाय विच फ्लोराइड्स इनिबिट डेंटल कैरीज क्या होता है फ्लोराइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू इनिबिट डेंटल कैरीज बाय इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू एसिड बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ टूथ एनेमल डिक्रीज एसिड सोलिबिलिटी ऑफ एनेमल इंक्रीज एसिड सोलिबिलिटी ऑफ़ एनेमल मैकेनिज्म बाय विच फ्लोराइड्स इनबिट डेंटल कैरीज तो ये फ्लोराइड्स जो होते हैं ये डिक्रीज कराते हैं एसिड सोलबिलिटी ऑफ एनिमल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम आयन इन सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल फॉर जर्मिसाइड एस्ट्रिंजेंट प्रोटेक्टिव पिगमेंट क्या होते हैं एल्यूमिनियम आयन इंसोल्यूशन तो ये एस्ट्रिंजेंट होते हैं ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज तो क्या होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट तो ये प्रिजर्वेटिव होता है एंटी होता है डिसइनफेक्टेंट होता है देन सोडियम बायसल्फाइट इज ऑल्सो नोन एज तो इसे ग्लोबर सॉल्ट भी बोला जाता है ग्लोबर सॉल्ट होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट केमिकल फॉर्मूला क्या है तो Na2S2O5 कौन से ऑप्शन में है तो एन ए टू एस टू ओ फाई ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये होता है सोडियम मेटाबाइसलफाइट ग्लाबर सॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज टू क्योर इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ बैक्टेरियल इन्फेक्शन एसिडिटी डेंटल कैरीज सोडियम फ्लोराइड तो हमने देखा था ना ये सोडियम फ्लोराइड देन स्टेनस फ्लोराइड या एंटी कैविटी एजेंट्स होते हैं ना इनका यूज़ करते हैं टू क्योर डेंटल कैरीज ऑप्शन डी रोल क्या होता है सोडियम फ्लोराइड का इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है रोल ऑफ सोडियम फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज तो ये प्रमोट कराता है रीमिनरलाइजेशन यानी स्लो डाउन करता है डी मिनरलाइजेशन प्रमोटिंग रीमिनरलाइजेशन स्लोइंग डाउन डी मिनरलाइजेशन ये इसका रोल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज ये अल्टर कराता है एक्शन ऑफ प्लाक बैक्टीरिया प्लाक बैक्टीरिया के एक्शन को अल्टर कराता है सोडियम फ्लोराइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस काला आजार एंड एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड किसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस काला आजार जिसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है आईवी इंट्रावेनस तो ये होता है एंटी मनी पोटेशियम टार्ट्रेट ऑप्शन ए क्या होता है एंटी मनी पोटेशियम टार्ट्रेट तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टारटा रिमेटिक टार्टा रिमेटिक होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इसका सिस्टोसोमियासिस में यूज करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली देन और किस में इसका यूज करते हैं तो ये इमेटिक होता है इसका पॉइजनिंग केसेस में यूज़ करते हैं पॉइजनिंग में इसका यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था इसका क्या होगा तो के टू एस बी टू सी फोर एच टू ओ सिक्स ट्वाइस के टू एस बी टू सी फोर एच टू ओ सिक्स ट्वाइस होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट टार्टारिमिटिक देन वॉट इज स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड क्या होता है तो ये डी एजेंट होता है स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड ये रिड्यूस कराता है हाइपर सेंसिटिविटी टू टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड ठीक है ये हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस कराता है ये होता है डी एजेंट स्टॉन्टियम क्लोराइड ठीक है तो ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली एफ डी ए एंड आर आर बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले है इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे थे ठीक है ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू